أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو ہر سال دی طرح اس سال بھی عظیم الشان پروقار اے اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو اور کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، سرمایہ جماعت حضرت مولانا شاہ نواز احمد طائب حافظہ اللہ، بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے، جماعت دے نوجوان خطیب مولانا عبد الرؤف ربانی قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ اللہ دی توفیق نال میری جماعت دا، میرے مسلک دا وقار امیر شہر حضرت پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ اور سرپرست اعلی جماعت دے عظیم خطیب پنجاب حضرت مولانا محمد صادق عتیق حفظہ اللہ، جنہ نے اس گلشن نو سجایا پھبایا اور اس دی آبیاری فرما رہے نے، میری دعا ہے اللہ انہاں بزرگاں دیاں کاوشاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور اس گلشن نو اللہ تا قیام قیامت شاد رکھ، آباد رکھے، اور جو انہوں آباد رکھ دینے اللہ صدا انہوں شاد اور آباد رکھے۔ اسی بڑے خوشبخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانو ایسا رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا اور ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس جیسا اللہ نے کائنات اندر دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اور یہ ایک فطری بات بھی ہے کہ شاید جنی بہت ہی قیمتی ہوئے او دے نال محبت بھی اونی زیادہ ہوندی ہے، پیار بھی اونا زیادہ ہوندا ہے۔ جنی شے قیمتی ہوئے، کوئی شخصیت شیخ الحدیث دے منصب تے اللہ نے انہاں نوں بڑیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں نے، ساڈے ارگے لوگ
ना समझ सकन ते ना समझन उलमा ऐसे शयूखुल हदीस नाल आज भी अगर मेरे मसलक दे इन्ना हीरियां दा किसे इल्मी मजलस दे अंदर जिक्र होए लोग हजरत मुहद्दस गोंदलवी रहमतुल्ला अलैह हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्ला अलैह और हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्ला अलैह शेखुल हदीस मौलाना अबुल बरकात रहमतुल्ला अलैह यानी इन्ना बुजुर्गों का जिक्र होंदा है ते इल्मी लोग जेड़े इन्हां नूं जानदे ने पहचानदे ने अश्कार उठदे ने इन्हां दीआं खिदमात नूं सुन के इन्हां दीआं खिदमात नूं वेख के और जेड़ा जानदा ते पहचानदा है ज़्यादा मुहब्बत दा इजहार भी ओहो ही करदा है और मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम आप दी जात नूं जानन वाला समझन वाला पहचानन वाला कि जिन्हां नूं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन्ना शान ते मकाम अता फरमाया जेड़ा हुजूर दी शान जानदा ते समझदा ओ मुस्तफा अलैहि सलाम नाल प्यार भी सब नालों ज्यादा करदा मुहब्बत ते अकीदत भी सब नालों ज्यादा रखदा। आओ जरा अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना। कुरान ऐलान फरमा रहा अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह मैं इंशाल्लाह छेती छेती तुहाड़ी जान छड़ देनी हाँ इंशाल्लाह। हजरत कलेरवी साहब नू मैं आख्या भी तुसी जाके आराम फरमाओ एवं मौलवियां दे काबू आए ते सदारत है ते मेरे वालों इन्होंने छुट्टी है भी ये जाके आराम फरमा सदारत तोड़ जान इन्हां दे हिस्से दी सदारत मैं आपे कर ला। मौलाना कारी मुहम्मद रफीक साहब हफिज़हुल्लाह माशाल्लाह मौलाना दे दस्तो बाजू बल्कि मौलाना अक्सर फरमाया करते ने मेरे को यजदानी साहब मंगते रहे भी ए मैनू दे दियो हाँ यजदानी साहब मंगते रहे भी ए मैनू दे दियो ते मैं नहीं दिता ते माशाल्लाह रब ने बड़ा काम लिया दर्जनों नहीं मेरा ख्याल है सैकड़ों अल्लाह ने इन्हां कोलों कुरान दे कारी पैदा फरमाए ने कुरान दे हाफिज अल्लाह ने बनवाए ने। दुआ फरमाओ अल्लाह इन्हां दीआं खिदमात नूं भी अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए। मौलाना इबरार ज़हीर हफिज़हुल्लाह नाज़िम शहर तशरीफ़ फरमासन हाफिज अबू सुफियान सलफी साहब और दीगर माशाल्लाह उलमाए किराम मौलाना हामिद खान अल्लाह इस नौजवान की उम्र च बरकत फरमाए बाबे बुल्ले शाह नूं याद करा हैं अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे दीन दा काम लै इन्हां बच्चियां कोलों हाँ माशाल्लाह हज़रत शेख मौलाना सादिक अतीक साहब दा नवासा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे शाद रखे और बुजुर्गों का सही मानिया के अंदर इन्हां नूं जानशीन बना दे। तवज्जो मेरे वर रखिया जे तुसा सवेरे खतीबे पंजाब दा जुमा भी सुनना उन्हां को ही समय छड़ देना बाकी उन्हां बयान फरमाना है। गौर करे अज जरा अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। कुरान का दूसरा मकाम से माफ फरमाना अल्लाह ज़ुल जलाल ने सारे रिश्ते गिनवाए ने रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया कुल इन काना आबाउकुम जाग दियो ना जे माशाल्लाह उतरे दी आवाज़ जरा ठीक कर इको बेस बंद करके ना आवाज़ ठीक कर दर अल्लाह फरमांदे ने कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारत
تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب العالمين فرما رہے ہوں رشتے دا نام لا کے گنوایا رب العالمین نے ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ ہن اے او رشتے جڑے قرآن نے گنوائے نے نا دنیا دی اندر ظاہری طور تے انسان انہاں نال بڑا پیار بڑی محبت رکھدا ہے اللہ فرماندے نے ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ وا ابناؤکم تے تواڈے بیٹے اخوانکم تے تواڈے پائے وا ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں وا عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ وا اموال اقترفتموہا او مال جڑے تسی کماندے ہو وا تجارت تخشون کسادہا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو وا مسا ساکنو ترزو نہا او تواڈے محلات تواڈیاں کوٹیاں جڑے تواڈے پسندیدہ نے احبا الیکم من اللہ و رسولہ اگر اے توانو اللہ تے او دے رسول نالوں بہتے پیارے لگ دے نے اللہ رسول نالوں بہتے تواڈے پسندیدہ نے اللہ رسول نالوں بہتی نال توانو محبت فاتر رب سو پھر تسی انتظار کرو حتی آتی اللہ بے امرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہن انہاں رشتیاں تے ذرا نظر دوڑان تے سمجھ والی گل اے وے ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ اے دا مطلب اے نہیں کہ ماں باپ نال محبت نہیں کرنی چاہی دی ماں باپ نال محبت کرنی چاہی دی اے کرنی کرنی تساں مرضی نال بولن چ کی ہر جے ماں باپ نال محبت کرنی چاہی دی اے حالات بدل گئے نے نا تسی آئے دن اخبارات پڑھ دولت تے مال دی حوث نے کران دے کار تباہ کر دیتے مال دی حوث نے ماں باپ دی محبت اولاد دے دلان چو کر دیتی ہے دولت دی حوث نے اخبارات پڑھو میڈیا ویکھو پرسوں ترسوں دی خبر ہے ایک نوجوان نے اپنے سکے پیو تے پٹرول چھڑک کے اگ لا دیتی آج تو کچھ عرصہ پہلا ایک بدبخت نوجوان نے کمرے دے اندر ماں تے بڈے پیو نو بند کر کے پٹرول سٹ کے اگ لا دیتی دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے اے مال تے اے دولتاں تے اے کاروبار ایک وقت آن والا اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اج دن زمین نے اپنے سارے خزانے باہر کڈ کے سٹ دینے نے ادھر ویکھے گا تے پچھتائے گا ہائے میری بد نصیبی اے وہ دنیا دا مال جیدے واسطے میں اپنے سکے پر
ਹਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਐ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇੱਥੋਂ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਤਨ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੌਲਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਾਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫਿਰਨਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਏ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ। ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਾ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ
कि जिन्हां दे मुद्दतां बीत गई ने अबू कहन नू जबान तरस गई है, अम्मी कहन नू जबान तरस गई है। तू खुश नसीब है जे तेरे घर के अंदर तेरी अम्मी मौजूद है, तेरे अबू मौजूद ने। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू सतावी ना, जे बाप दुआ कर सी टल जान गियां बलावां, जे बाप दुआ कर सी टल जान गियां बलावां। केडा सोना ओ वेड़ा ए, केडा सोना ओ वेड़ा ए, जिथे मापियां दा डेरा ए, केडा सोना ओ वेड़ा ए, जिथे मापियां दा डेरा ए। इस वेड़े ते रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां ने, इस वेड़े ते रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां ने। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम, अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्होंने रोज़ा पाक ते करोड़ा रहमत दियां बारिशां नाजल फरमान। अल्लाह फरमांदे ने इनका न आबाओकुम, एक डोज और मिलनी चाहिए थी। हाँ बाबे और अबो इशारे कीते, तुहानू पता है बुजुर्गों की अख हर पासे काम कर दी, हाथ भी काम कर। हाँ जी गौर करे आज जरा, रब्बुल आलमीन ने ना कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया इनका न आबाओकुम, इनका न आबाओकुम। अगर तुहाडे बाप, इहदा मतलब ये नहीं कि मापिया ना मुहब्बत नहीं करनी चाहिए, मैं ना मुहब्बत करो, खिदमत करो, इज्जत करो, हया करो, एहतराम करो, इन्हां दे जोड़े सीधे करो, इन्हां दे दिलों धक्के नाल दुआवां निकल दियां दे। एक एक कह के दुआ करवाना, और बल्कि मैं ते कहांगा अल्लाह ने मौका दिता ही ना ते कदी अबू दे पैर फड़ के ना ते आख्या कर अबू जी मेरा नाम लै के मेरे वास्ते दुआ कर। अम्मी जिंदा ही ना ते अम्मी दे पैर फड़ के कदी कोल बह के तरला करे आ कर, अम्मी मेरा नाम लै के मेरे लिए दुआ फरमा दियो। अम्मी अबू कोलों नाम लैके उन्हां दी जबान तो अपना नाम कहलवा के दुआ करवाया कर। मेरा दावा है दुनिया दे बड़े बड़े पीर तेरे बाप दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। एक कह के दुआ करवाना, मौलाना शेख साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब जी दुआ करे आ दे, ये भी जायज है, ये भी ठीक है। एक वे खिदमत कर, उन्हां दे दिलों धक्के नाल दुआवां निकल दिया ने। और मैनू याद आया खतीबे पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी, अल्लाह उस वली दी कबर ते रहमत दी बरखा नाजल फरमाए। मौला दे मुतालिक आंदे ने कि इन्हां दे वालद मुहतरम गैंठिए दे मरीज सन, चल फिर नहीं सन सकदे, ते मौलाना दी आदत सी आप जुमा पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले जांदे ते बाप नू मोढ़ियां ते चुक लैंदे। वाह खुश नसीबो, बाप नू मोढ़ियां ते उठा लैंदे ते मस्जिद दे अंदर जुमा पढ़ाने वास्ते आउंदे, बाप नू सामने बिठांदे ते आप मिंबर ते तशरीफ लै जांदे। यार केडे खुश नसीबो मापे ने, बाप सामने बैठा ते बेटा मिंबर ते अल्लाह दा कुरान पिया पढ़दा है। केडे खुश नसीब वो मापे ने, बाप सामने बैठा ते बेटा मुसल्ला रसूल ते अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदा पिया। अल्लाह अल्लाह, ये ते अपनी अपनी किस्मत दी गल है, वरना कई जिन्हां को चार हरफ पढ़ने बोलने आ जाने वह अबे नूं भी आखणगे मैनूं अलामा साहब आख्या करो, तैनू डुब के मर जाना चाहिए।
अलामा साहब, मौलाना साहब, शेख साहब, हजरत साहब कहने वाली बड़ी दुनिया है। और रब का शुक्र कर, तेरा नाम कोई बेतकल्फी ना लैन वाला जिंदा है। एक डॉक्टर साहब का वाकया एक दोस्त ने सुनाया, कह लगे वालदा उन्होंने फौत हो गई, तो डॉक्टर साहब अब्दुल गफूर नामी डॉक्टर साहब बड़े रोन साथियों आखिया उन्हें, डॉक्टर साहब अल्लाह ने तुहानू बड़ा खिदमत का मौका दिता है, माँ जी की तुसा खिदमत की है, जाना तो है ही है, तो माँ जी दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, क्यों इन्ना बेसाख्ता रोंदे हो? ते फरमान लगे साथियों गल ले वे, मैं सारा दिन हस्पतालों के अंदर क्लीनिक ते रहिंदा, कोई मैनू सर जी आंदा, कोई मैनू डॉक्टर साहब आंदा, कोई कुछ कह के बुलांदा, कोई कुछ कह के बुलांदा, ते शाम नू जदों मैं घर आउंदा ते मेरी अम्मा आवाज़ दे के आंदी, वे पुत गफूरिया। हुण डॉक्टर साहब कहण वाले बड़े ने, पर बेतकल्फी नाल मैनू गफूरा कह के बुलाण वाला कोई नहीं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अब्बा जी नू कंधियां ते उठाना, मस्जिद दे अंदर ले आना, बाप नू सामने बिठाना, आप मिंबर ते तशरीफ ले जाना, जुमा पढ़ाना, फारग हो के लोग मौलाना नू मिलन वास्ते अगे बढ़ दे, मौलाना अपने बुढ़े बाप नू कंधियां ते उठा के घर वल जा रहे हुंदे, बाप नू चुक के ले आउंदे, बाप नू चुक के ले जांदे, ते आंदे ने बाप अक्सर एक दुआ दिया करदा सी, मुहम्मद हुसैन बेटा तू मैनू मोड़ियां ते चुकी फिरना, मेरी दुआ ए लोकी तैनू तलियां ते चुकी फिरन, मेरी दुआए लोग तैनू तलियां ते चुकी फिरन, मैं अपनियां अखां ना देखिया। उलमा बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, जेड़े अहबाब जानते ने, मौलाना जिंदगी दे आखरी सावां तक लोग उन्होंने तलियां ते ही चुकी फिरे, लोग उन्होंने तलिया ते ही चुकी फिरे ने, कोई शक नहीं ये दे अंदर, ये सारा मेरे रब दी रहमत दा कमाल है, और ये दे अंदर शक नहीं, ये दे अंदर मौलाना दी मेहनत दा भी अमल दखल है। लेकिन मैं कहांगा अल्लाह दी रहमत दे बाद ये सारे रंग लाए ने, ते मापिया दियां दुआवां ने लाए ने। इस वास्ते मां बाप नाल ए नहीं माना कि मां बाप नाल मोहब्बत नहीं करनी, माना सुन लो, इनका ना आबाओकुम, अगर तुहाडे बाप वा इखवानोकुम, ते तुहाडे भाई, हुण नाम लै लै के फरमाया मां बाप नाल मोहब्बत करनी है। असल मसला की समझाया, मां बाप नाल मोहब्बत करनी है पर अल्लाह रसूल नालों ज्यादा, माँ बाप नाल मोहब्बत करनी है पर अल्लाह रसूल नालों ज्यादा ने, भाइयों नाल मोहब्बत करनी है अल्लाह दे रसूल नालों ज्यादा ने, बेटियां नाल मोहब्बत करनी है अल्लाह रसूल नालों ज्यादा ने, खानदान बरादरी नाल मोहब्बत करनी है अल्लाह रसूल नालों ज्यादा ने, कारोबार कोठियां बंगले इन्हां नाल मोहब्बत करनी है अल्लाह रसूल नालों से ज्यादा नहीं। अगर तुहानू ये सारियां चीजां अल्लाह ते ओदे रसूल नालों बहुतियां प्यारियां लगदियां ने, इन्हां नाल बहुती मुहब्बत है, ते फिर की करना, फाता रब्बासू, फिर अल्लाह दे अजाबां दा इंतजार करो, हत्ता याते अल्लाहु बे अमरी वल्लाहु ला यहदिल कौम अल फासिकी। मेरे भाई मेरे बरादर, एक एक दा नाम लैके रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, तुहाडे बाप, तुहाडे बाप, और सहाबा दियां जिंदगियां ते जरा नज़र दौड़ाओ ते सही कि सहाबा ने वाकयातानी तराजू दे एक पलड़े च मां बाप है, एक पासे मुस्तफा ने, एक पासे भैणा भरा ने, एक पासे मुस्तफा ने, एक पासे खानदान ते बरादरी है, एक पासे मुस्तफा ने, उन्हें सारा जहान ठुकरा दिता है, मुस्तफा बोलो छड़े।
हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हो, अल्लाह जिथे तेरे महबूब दे परवाने लेटे ने रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमान। एक गल ज़हन च रखो, जे सहाबा ने नबी अलैहि सलातो व सलाम नाल मुहब्बत अकीदत दी इंतहा कीती है, ते मेरे मुस्तफा ने भी मुहब्बत दी हद मुका दी। हजरत ज़ैद बचपन के अंदर ही एक सफर ते अपनी वालदा ना जा रहा सन, रस्ते अंदर डाकुआ ने काफला घेरिया, ते इस मां कोलो लाल भी जुदा कर दिता, मंगे मक्के दी मंडी जाके फरोख्त कर दिता, और हकीम बिन हिजाम इन्होंने जाके खरीदिया। हजरत मां दी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अनहा वास्ते, ते जदों मां जी खदीजा मेरे महबूब दे निकाह विच आईयां, ते उन्हां बतौरे तोहफा गुलाम मुस्तफा नूं दे दित्ता, हुजूर तुहाडी खिदमत करेगा, और ज़ैद तेरी किस्मत दे के आ कहने तू विकदा वकांदा भी पहुंचिया ते दरे मुस्तफा ते पहुंचा, तेरे नसीबे दे क्या कहने। हजरत माजी खदीजा ने बतौरे तोहफा नबी अली सलातो व सलाम नूं एक गुलाम दे दिता। एक दफा ना इन्हां दे इलाके दे कुछ लोग आए मक्का पाक दे अंदर, इंज बैतुल्ला दा तवाफ करदे सन पै, ज़ैद ते नजरां पईयां, पहचान भी लिया भी साडे महल्ले दा मुंडा है, साडे पिंड दा मुंडा है, इहदी मां ते इहदा प्यो ते लभ लभ के खापटे ने, ये मक्के फिरदा। खैर मिले, हालात का जायजा लिया, पुछया दसिया, हज़रत ज़ैद ने सारी सूरत हाल तो आगाह किया, वापस गया, तो जनाब ज़ैद दे अब्बा जान नूं कहन लगे तुहाडा बेटा ज़ैद मक्के दे अंदर मुहम्मद नामी एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए उन्हां दी गुलामी दे अंदर है, ते असा सुनिया जिदे गुलामी विच वह बंदा बड़ा ही चंगा है। तुसी इंज करो, किस्मत अजमाई करो, जाओ ते हो सकदा तुहाडा बेटा तुहानू फ्री खाते ही मिल जाए, सुनिया बंदा बड़ा चंगा। हजरत ज़ैद दे अब्बा जान ते जनाबे ज़ैद दे चचा मोहतरम मक्का पाक दे अंदर आए, मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दियां ज़ियारतां होईयां, आप नाल मुलाकातां होईयां, कहन लगे हजरत असा सुनिया साडा बेटा ज़ैद तुहाडी गुलामी दे अंदर है, ते साडे हाल ते रहम करो, ते साडे नालों वध के ज़ैद दी अम्मी ते रहम फरमाओ। जदों दा ज़ैद गुम होया रो रो के ते कमली होई फिर दिए, रातां वेले अद्धी अद्धी रात वेले जे किते हवा नाल भी दरवाज़ा हिलदा ते कमलिया वांगू दौड़ पैंदी है, आंदी है खरे मेरा बेटा ज़ैद ही किधरों आ गया होए, ओए औलादां वालियो ए औलादां दा दुख पुछना जे ते किसे उस बाप कोलों पुछो जिस बाप तो बच्चा जुदा हो जाए, बल्कि मैं ते कहांगा ऐसी औलाद दा दुख ते गम पुछना होवे ते जाओ जनाबे याकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम कोलों पुछो, जिन्हां दियां औलादां जिन्हां दे बच्चे गुम हो जांदे ने, ओ मापे रोजाना मरदे ने ते रोजाना जिउंदे ने, लंबियां उम्मीदां लगा के बैठे हुंदे ने, आंदे ने ना के हथीं दफन जिन्हां नूं करिए, ओए हथीं दफन जिन्हां नूं करिए, लथे आस तिनांदी गुम होयांदी तांग हमेशा पल पल पई सतांदी। एहो जै बच्चियां दा दुख ते गम पुछना ते जनाबे याकूब अलैहि सलाम कोलों, हजरत साडे हाल ते रहम करो, साडे नालों ज्यादा मेरे बेटे ज़ैद दी अम्मी दे हाल ते रहम करो, कमली होई फिर दिए रो रो के अखां दी बिनाई कमजोर कर ली सो, यार उस मां दी की हालत ते कैफियत होएगी जड़ी बेटे नू नाज नखरिया नाल सामदी है, अपने बेटे नू हर दुनिया
दुनिया की सहूलत मुहैया कर दिए, आप औखे हो के बच्चों दियां फरमाइशां पूरियां कर देने। हुण बच्चा गुम हो गया ते ओ मां रात वेले उठ उठ के बह के आंदी होएगी, अरे मेरे लाल नू रोटी दी बुरकी भी कितों लभी है कि नहीं, अरे मेरे बेटे नू रहन वास्ते कुछ जगह मुयसर आई है कि नहीं, मेरा बेटा पता नहीं किस हालत ते किस कैफियत अंदर होएगा। यदि अम्मी दे हाल ते रहम फरमाओ, जो फरमांदे हो असी औखे सौखे तुहाडी खिदमत पेश कर देने। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने, ज़ैद दे अब्बू मैनू दुनिया दे माल दी लोड़ नहीं, मैनू दुनिया दियां दौलतां दी जरूरत नहीं। इंज करने आ ज़ैद नू बुला लैने आ। महबूब नू भी ते अपनियां मुहब्बतां दा यकीन सी ना, मान ते है सी ना। आप फरमांदे ने ज़ैद नू बुला लैने आ ते पुछ लैने आ, जानदा जे ते लै जो, धक्के नाल नहीं पुछ लैने आ, जानदा जे ते लै जाओ। जनाबे ज़ैद नू बुला, ज़ैद जी आ कवर मैं पहचानना कौन ने, जी मेरे अबू जी ने, मेरे चाचू जान ने। आ फरमाते ने पता ही आया किधर ने, जी हुजूर फरमाया तैनू लैन आए ने, लैन आए ने। चश्मे फलक ने शायद इंज दा मंजर ना देखिया होए। भाव कहन लगा उठ पुत्र ज़ैद तैयारियां कर। बाप नू एसी ज़ैद ने मिंट भी नहीं लाना, ज़ैद ने अख भी नहीं चमकनी ते टुर पैना है। उठ ज़ैद पुत्र इजाजत मिल गई ने चलिए। ते ज़ैद आंदे ने अबू जी मैं जाना ही नहीं। दुआ करो अल्लाह सानू इंज दी मुहब्बत नबी पाक नाल नसीब फरमा। अबू जी मैं ते जाना ही नहीं। बाप आंदा पुत्र कमला होया, एक पासे अपना घर है एक पासे बेगाना दारे, एक पासे गुलामिया ने एक पासे आजादियां ने, एक पासे अपना वतन है एक पासे पराया देश है। और मेरा लाल लोकी ते पैसे दे के आजादियां लभदे ने, तैनू मुफ्तां विच आजादियां मिलदियां ने पईयां, क्यों नहीं जाना चाहुंदा। आंदे ने अबू जी मैं महबूब दी गुलामी तो लखां आजादियां कुर्बान कर दियां, पर मैं अपने मुस्तफा नू छड़ के जान ले तैयार नहीं। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम तो वसलाम नाल हुजूर नू मुहब्बत ते ज़ैद नाल अगे ही बड़ी सी ना, ते आज मुस्तफा अली सलाम ने भी और ज्यादा मुहब्बत दा इजहार फरमाया। इंज फड़ के ना जनाबे ज़ैद नू बाहों तो ते बैतुल्ला दे दरवाजे दे करीब चले। बड़े बड़े मक्के दे सरदार मौजूद ने, इंज बैतुल्ला दे दरवाजे दे करीब गया। इंज ज़ैद दी बांह फड़ के आका फरमांदे ने अज दे वादे मुहम्मद दा बेटा बन गया है। अगरचे कुरान ने बाद दे अंदर कानून दस्तूर तब्दील कर दिता है, लेकिन नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने अगर ज़ैद ने मोहब्बत दी इंतहा की थी है, मेरे आका ने भी मोहब्बत दी हद मुका दी थी है। इनका न आबाओकुम, अगर तुआडे बाप व अबनाओकुम ते तुआडे बेटे, सारे रिश्ते नाम ला ला के गिनवा के रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्हा सारे रिश्तियां नालों वध के ईमान दा तकाजा ए वे के मुहब्बत अर्श वाले खुदा नाल कीती जा। पहला हक अर्श वाले खुदा नाल करो, मदीने वाले मुस्तफा नाल करो, और इन्हां दी मुहब्बत दे ताबे जेड़ा आ जाए फिर उन्हां नाल मुहब्बत करो। माँ बाप, भैणा भरा, रिश्तेदार, उस्ताद, अपने बेगाने, सारिया दी मुहब्बत मुस्तफा अली सलाम दी मुहब्बत दे बाद होनी चाहिदी है। दुआ करो अल्लाह सानू सारिया नू हजूर अली सलाम दी सच्ची और सुची मुहब्बत नसीब फरमाए। किताब व सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक बख्शे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।